आप सभी का RKJ टेक इन्फो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर Oppo Reno 10X मॉडल अब यहाँ पर फाइनली लॉन्च हो चुका है। तो इसका प्राइस क्या होने वाला है, अगर आप इसको परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या ऑफर्स मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, डिस्काउंट कैसे मिलेंगे, तो इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर एंड तक देखते रहिए। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आपको Oppo Reno फ़ोन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको पॉप आउट सेल्फी नहीं मिलेगा, लेकिन Oppo ने नया तरह का डिज़ाइन करके दिया है। देखिए आप कैसे निकल रहा है ऊपर से, तो इस टाइप का कुछ सेल्फी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बैक की बात करें तो बैक में वो जो निकलेगा उसके पीछे से सेल्फी लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर Oppo का ब्रांडिंग है, ये दो कलर वेरिएंट में होता है। देखिए पहला एक तो ब्लैक है और एक तो है इस कलर का, देखिए ओशन ब्लू टाइप का कलर का। तो ये दो कलर वेरिएंट में मौजूद है। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को परचेस करते हैं तो इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको फ़ोन मिलेगा, उसके साथ एयरफोन मिलेगा, उसके साथ अडाप्टर केबल मिलेगा, अडाप्टर मिलेगा, सिम इंजेक्टेड टूल मिलेगा, फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए केस मिलेगा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ वारंटी कार्ड मिलेगा। दोस्तों अगर इसके स्क्रीन की बात करते हैं, आपको 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों आपको ट्रिपल डियर कैमरा, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर रियर कैमरे की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का रियर फ्रंट कैमरा है, जो कि सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों बैटरी की बात करें तो 4065 mAh की बैटरी है। दोस्तों बैटरी के साथ साथ आपको हुक चार्जर सपोर्ट मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टाकोर 2.8 GHz प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इस फ़ोन की सबसे स्पेशल बात है कि इसमें 10x हाइब्रिड जूम सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप फोटो खींचते हो तो इसको बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं। नॉर्मल फ़ोन में जितना आप जूम करते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा इस फोन में जूम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। एक है 6GB 128GB स्टोरेज के साथ और एक 8GB 256 GB के साथ। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 39,990 रुपीज़। दोस्तों और एक जो है 8GB 256GB स्टोरेज के साथ है, तो उसका प्राइस है 49,990 रुपीज़। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि परचेस करना है 6GB 256GB स्टोरेज करने चाहते हैं तो इसका प्राइस अभी ठीक से डिक्लेयर नहीं हुआ है। और अगर परचेस करना चाहते हैं 8GB 128GB प्राइस में, तो इसका भी प्राइस ठीक से अभी बताया नहीं गया है। सिर्फ दो वेरिएंट का प्राइस अभी दिया गया है, लेकिन चार वेरिएंट में आने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इसका ऑफर, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसमें तीन ऑफर अभी हाल ही में आपको तीन ऑफर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑफर है अगर आप फ़ोन परचेस करते हैं EMI से, या फिर अपने डायरेक्ट क्या एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड से डायरेक्ट परचेस करते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स परचेस करते हैं, तो आपको इंस्टेंटली 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से परचेस करते हैं इंस्टॉलेशन से, या फिर इंस्टॉलमेंट में नहीं तो डायरेक्ट पेमेंट करते भी अगर पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास एक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को परचेस करते हैं और इसमें सबसे पहली बार जियो सिम डालते हैं तो कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। उस बेनिफिट्स के बारे में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे ही लॉन्च होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको पता है मैं हर लॉन्च इवेंट के, हर फोन लॉन्च होने के बाद उसका जियो ऑफर के साथ बारे में हर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चैनल में बहुत सारे जियो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, नोट, वन प्लस सब के बारे में बनाए हुए, तो इसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों इसमें और एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें आपको सुपर फास्ट फेस अनलॉक और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ओवरऑल इसका जो ओवरव्यू है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन जितना भी फंक्शन दिया है, फीचर्स दिया है, तो प्राइस के हिसाब से तकरीबन ठीक है। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो दो कलर वेरिएंट में अभी मौजूद है मार्केट में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा पीछे से एक फ्लैश लाइट है। जब भी आप सेल्फी कैमरा नहीं, जब भी आप बैक में फ़ोटो उठाएंगे तो ये जो है ये ऊपर आएगा और आपको फ्लैश लाइट देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन दिख रहा है, देखने में तो काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं 100% हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।